चलिए आज की क्लास में मैं आपको बार कोडिंग वगैरह किस तरीके से इंसर्ट करना है, QR कोड किस तरीके से बनाना है, वो बेसिकली सीखने वाले हैं। ओके, तो देखिए बार कोड सबसे पहले किस तरीके से बनाना है। बार कोड के लिए आपको जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर और यहाँ पे इंसर्ट का सेक्शन आता है। इंसर्ट के अंदर यहाँ पे बार कोड आता है, ठीक है। कैसे इंसर्ट करना है, बार कोड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे फिर ऑप्शन आएगा। अभी पूछ रहा है कि किस टाइप का कैसा बार कोड रखना है। बार कोड के हमारे कई सारे कैटेगरीज आते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट या अकॉर्डिंग टू कंट्री हमें यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट जनरली यूज़ करने होते हैं। आप जहाँ भी आप जिस कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे वो लोग जो इसमें से प्रीसेट यूज़ करते हैं वो आपको यूज़ करना होगा। अभी तो अपने हिसाब से तो यहाँ पे जो प्रीसेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी अकॉर्डिंग टू कंट्री अलग अलग यूज़ करने होते हैं। तो हमारे इंडिया में ज़्यादा जनरली क्या होता है, तो जैन 13 वाला यूज़ होता है या फिर कोड यहाँ पे 3925 या कोड बार जनरली यूज़ किया जाता है। तो अभी हम लेते हैं फिलहाल यहाँ कोड बार और यहाँ पे आता है एंडर अप टू 30 नंबर्स डिजिट इंक्लूडिंग हैश प्लस या कोई स्पेशल करेक्टर आप डाल सकते हैं। मतलब मैक्सिमम आप जो है 30 नंबर्स डाल सकते हैं और उसी के साथ में आप चाहो तो अंडरस्कोर प्लस स्लैश ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको नंबर डालना है वो आप नंबर कन्फिगर कर देंगे, वो इस तरीके से नीचे यहाँ पे आएगा, प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर इसकी और यहाँ पे कन्फिग्रेशन पूछेगा आपको क्या क्या रखना है। जैसे प्रिंट रेजोल्यूशन आता है ये इसकी क्वालिटी होती है कि जितना हम ज़्यादा रखेंगे, जैसे प्रिंट पर्पज़ के लिए क्या यूज़ किया जाता है 300, तो इसलिए 300 रखना है क्योंकि ये ज़्यादा प्रिंट में ही यूज़ होते हैं मैक्सिमम, तो इसलिए 300 रखना है। और इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं, मान लो कोई इसे बड़ी उसमें करें तो 600 भी आप ले सकते हैं, इसमें और अच्छी उसमें आ जाएगा, ठीक है। हालांकि 300 में हमारा बेस्ट क्वालिटी आएगी तो मे बी आपको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट है हमारा इंच में है, आप चाहते हैं कि एमएम में है सेंटीमीटर में है तो वो ले सकते हैं। वो तो मेजरमेंट यूनिट है क्या रखना, मेन डिपेंड करते हैं वैल्यू। इसे क्या है, बार विथ रिडक्शन, यानी जो बार की जो विड्थ रहेगी वो कितनी रिडक्शन होगी, कितनी पतली होनी चाहिए, 1% पतली होनी चाहिए। उसके बाद यानी कह सकते हैं विड्थ 1 होनी चाहिए मिनिमम पिक्सल में। और मैग्निफिकेशन स्केल कितना, 100% होना चाहिए, यानी जो उसका एक्चुअल साइज होगा वो 100% होगा। अगर हम छोटा कर देंगे तो हाइट उसकी छोटी हो जाएगी, तो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। बार की हाइट भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हमें मान लीजिए और बड़ा रखना है तो आप 2 पॉइंट कर सकते हैं, तो हाइट उसकी बड़ी आएगी। वो डिपेंड करता है कितना बड़ा देगा, कई कई प्रोडक्ट में बड़े बार कोड्स होते हैं, कईयों में छोटे होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। जैसे हमने 2 ले लिया, चलिए यहाँ पे विड टू नैरो रेशियो, मतलब कि उनके बीच का जो स्पेस होता है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ 2 पिक्सल के आसपास का स्पेस दिखा रहा है, तो वो है आप कम रखना चाहें तो यहाँ पे कम रख सकते हैं, बट यहाँ पे वो मिनिमम टू ले रहा है आपका, ठीक है, बाकी मैक्सिमम ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, तो अब आएगा यहाँ पे इसकी जो कंटेंट हमारे नीचे लिखा हुआ डिजिट, उसका फॉन्ट क्या रखना है, उसका साइज़ क्या रखना है, वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कितना बड़ा रखना है। लाइक नॉर्मल रखना है, बोल्ड रखना है, वो भी आप दिखा सकते हैं। और अलाइनमेंट अभी क्या हो रहा है, सेंटर आ रहा है, तो यहाँ सेंटर कर सकते हैं। आप चाहते हैं लेफ्ट में आए तो यहाँ से लेफ्ट में भी कर सकते हैं। और फिर जस्ट आपने कर देना है यहाँ से फिनिश, तो ऑटोमेटिकली हमारा बार कोड बन के तैयार है। तो अब इसको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप पेस्ट कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही फिर हमें एक बनाना होता है QR कोड। देखिए किस तरीके से बनाना है, आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में इंसर्ट और यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अपने आप खुद ब खुद ही QR कोड आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें QR कोड की कई सारी कैटेगरीज आती हैं। जैसे ही आप QR कोड अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी का सेक्शन खुल जाएगा। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं ओपन होती है तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है और यहाँ से प्रॉपर्टी होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एंटर, क्लिक कर देंगे तो ये प्रॉपर्टी सेक्शन खुल जाएगा यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे इसके टाइप्स आते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, URL, यानी कि URL में क्या होगा, जब भी कोई बंदा इस पर स्कैन करेगा तो वो वेबसाइट का डिटेल आएगा, ठीक है। जैसे अभी इस पर क्या लिखा हुआ है, corridor.com लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इस पर स्कैन करें तो हमारी डिटेल आए, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया www.achievers.edu.in है ये वेबसाइट, ठीक है। तो जब भी कोई स्कैन करेगा तो ये इस पर आएगा, लेकिन इसके अंदर साथ में वो चेंजेस भी हैं, क्या आप जैसे हम चेंज कर सकते हैं यूनिफॉर्म फिल, इसका जो कलर है यहाँ पे, जैसे क्या कलर आ रहा है, फिल ब्लैक कलर आ रहा है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं क्या कलर आपको दिखाना है। तो यहाँ से कलर भी आते हैं, कलर वाइज भी आप दे सकते हैं, ब्लैक ही दिखाना है या कोई कलर एकदम ज़्यादातर मैक्सिमम। इसके अलावा देखो और भी यहाँ पे क्या है, URL, अगर हम लेते हैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस, तो अब कोई बंदा उसको स्कैन करेगा ना, जो हमने यहाँ ईमेल आईडी डाला होगा वो दिखाएगा, राइट। अगर हम यहाँ से लेते हैं फ़ोन नंबर और कोई स्कैन करेगा तो क्या दिखाएगा, फ़ोन नंबर दिखाएगा, जो हम यहाँ लिखेंगे वो फ़ोन नंबर दिखाई देगा। फिर आता है SMS, यानी उस बंदे को पास SMS चला जाएगा, ठीक है। या जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दो
और यहाँ पे मैसेज डाल दो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको स्कैन करके वो दिखा देगा, मैसेज भी दिखा देगा यहाँ पे और वो फ़ोन नंबर भी दिखा देगा, ठीक है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं आप कि कोई बंदा जब स्कैन करे तो क्या हो, उसका फर्स्ट नाम आए, लास्ट नेम आए, ईमेल आईडी आए, वेबसाइट आए, उसका घर का फ़ोन नंबर आए, मोबाइल नंबर आए, वर्क होम आए, फैक्स नंबर, एड्रेस वगैरह, मतलब ये पूरे डिटेल हम प्रिंट डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो डिटेल आपने यहाँ डाली होगी स्कैन करने पे वो, लेकिन ध्यान रखना आपने डालने के बाद हमें एक काम और करना होता है, वैलिडेट भी करना होता है। वैलिडेट करने के बाद ही क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन शो करेगा। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ कैसे। तो ये हमने ले लिया। अब इसके अंदर भी टाइप्स हैं, वी कार्ड है और एक मी कार्ड है। मी कार्ड पे जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी इसमें कम आएगी, ठीक है। और वी कार्ड में इन्फॉर्मेशन नहीं, कैलेंडर इवेंट, इसमें कैलेंडर वगैरह का आप डाल सकते हैं, इवेंट कब है कि उसको स्कैन करें तो उसमें एक लाइक आ जाएगी, हाँ भाई इस डेट को इवेंट है, तो इवेंट का नाम डाल दो, लोकेशन डाल दो, जैसे लाइक आप कोई ऐड प्रिंट करा रहे हैं और वो आपने इवेंट का है, कोई फंक्शन का, कोई पार्टी का है, तो उसके ऊपर ये QR कोड प्रिंट कर सकते हैं। कोई बंदा स्कैन करेगा तो उसमें इवेंट का नाम आ जाएगा, उस पर लोकेशन आ जाएगा, किस डेट को है, क्या टाइम है, बाकायदा सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, इवेंट, कैलेंडर इवेंट। फिर जियो लोकेशन लेते हैं, तो इसमें आप लोकेशन डाल सकते हैं किसी का भी, जब बंदा स्कैन करे ना उसके साथ मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजते हैं तो यहाँ से लोकेशन आ जाएगा। तो लोकेशन में क्या होता है, हमें एक लैटिट्यूड नंबर होता है और एक लॉन्गिट्यूड नंबर होता है, वो हमें डालना होता है, ठीक है। लैटिट्यूड ये कहाँ से निकलता है, जैसे आपको मान लीजिए अपने हमें अपने इंस्टीट्यूट का डालना है, गूगल पे जाएंगे, मैप में जाएंगे, वहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे आ जाएगा, तो उस पे राइट साइड में दिखाता है लॉन्गिट्यूड वैल्यू, लैटिट्यूड वैल्यू, तो वो आपने यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अगर किसी का लोकेशन आपको डालना है तो यहाँ पे लैटिट्यूड वैल्यू और लॉन्गिट्यूड वैल्यू डालनी है, तो कोई बंदा स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिकली वो लोकेशन उसके पास दिखा देगा। फिर एक प्लेन टेक्स्ट आता है, प्लेन टेक्स्ट में आप कोई इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, ठीक है। अब जैसे हमने सपोज क्या किया, प्लेन टेक्स्ट ले लिया और हमने यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं, और फिर आपने क्या करना है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका टाइप वगैरह चेंज कर सकते हैं, कितना मोटा पतला है वो सब चेंज कर सकते हैं, थिकनेस वगैरह, और इवन जैसे ये बॉक्स टाइप का बन के आ रहा है, सर्कल में चाहिए तो ऐसे सर्कल टाइप में बन के आएगा, स्टार में चाहिए स्टार में बन के आएगा, तो किस टाइप का ये आपको दिखाना है, ये उसके वो टाइप्स हैं, ठीक है। और फिर आपने लास्ट में क्या करना है, वैलिडेट करना है। हाँ, वैलिडेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये अब वैलिडेट होता है, यानी हो गया, इट कंटेन द फॉलोइंग मैसेज, यानी डल चुका है और लिखा भी है क्या मैसेज आया, ये आया है, ओके डन, ठीक है। अब हम स्कैन करते हैं, तो हमने इस पे लिखा हुआ है प्लेन टेक्स्ट और हमने लिखा है फ्रॉम अचीवर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, हम चाहते हैं कोई स्कैन करे तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाए। आपके पास मोबाइल में भी होता है स्कैनर, वहाँ पे स्कैन करेगा तो आ जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे स्कैन करना है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के लिए हमें क्या करना है, ये हमें वेबसाइट ओपन करना है, online-qr-scanner.com, ये ओपन हो जाएगा। और आपने इमेज को सेव करना है, इसको एक काम करेंगे, जो हम सेव करेंगे वो इसी साइज में सेव करेंगे जिसमें हमारा स्कैनर है, तो स्कैनर का साइज हमारा 46x46 है, तो पेज का साइज हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लगभग 50x50, थोड़ा से बड़ा ले लेंगे, और फिर इसको P प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेज के सेंटर में आ जाएगा, ओके। अब इसको आपने एक्सपोर्ट करना है इमेज फॉर्मेट में, तो फाइल में जाके एक्सपोर्ट पे जाना है और यहाँ से आपने फाइल का नाम दे दो, जैसे हमने अनटाइटल यहाँ पे 4 ले लिया, जस्ट ओनली 4, और JPG फॉर्मेट रखना है एक्सपोर्ट करके, तो सेव हो चुका है, यहाँ से ये लेना है, ओके कर देना है। देन आपको उसी वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे ये ऐड का ऑप्शन आएगा, तो ऐड पे जाना है और यहाँ से आपने फिर वो फाइल ले लेनी है, तो ये 4 वाला है तो ये रहा 4, इसको लेंगे ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्कैन कर देते, ये रहा क्या लिखा है सामने, फ्रॉम अचीवर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, और यहाँ भी अचीव, तो जो भी आपने लिखा होगा, जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन आपने ली होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, कलर सेट करने के बाद वैलिडेट जरूर करना है, जब तक वैलिडेट नहीं करेंगे तो वो कंटेंट इसके साथ में लिंक नहीं होगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम प्रॉपर एक बार कोड और QR कोड ईजिली बना सकते हैं। चलिए बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में।